हेलो भाई, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 11। तो आज की जर्नी होने वाली है हमारी 12055 नई दिल्ली देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस में। तो ये जर्नी होने वाली है नई दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक की। मैं इतना जल्दी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रेन को चलने में यार 4-5 मिनट ही बचे हैं और अभी मेरे को अपने कोच में भी जाना है, इंटरव्यू के लिए लेट हो गया। तो इसलिए गाइस अभी उसके बाद हम लोग अब सीधा डिपार्चर लेते हैं और आगे जर्नी में मिलते हैं। सो गाइस, हमने डिपार्चर स्टार्ट कर दिया न्यू दिल्ली से। बहुत ही हेक्टिक था यार, क्योंकि बस जल्दीबाजी में चढ़े हैं यार कि साथ के कुछ लोग थे वो पीछे रह गए थे तो उनको लेकर आए, मतलब उसके बाद ट्रेन का डिपार्चर स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल राइट टाइम पे ट्रेन चल दी है हमारी 3:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 11 से। यहाँ चलने के बाद आपको दिखाऊंगा गाजियाबाद, मेरठ, टपरी, रुड़की और ऐसे करते करते हम लोग पहुँचेंगे हरिद्वार तक। इनका ट्रैक साउंड ही बैकग्राउंड म्यूजिक है रेल फैंस के लिए। ये चीज तुझे नहीं समझ आएगी। जब हम लोग अप्रोच करने वाले हैं गाजियाबाद स्टेशन, तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोच की कैसी कंडीशन है, कि कैसा सीट्स का लेआउट है और कितनी भीड़ है ट्रेन में। तो कुछ इस तरीके से है भाई कोच की कंडीशन, देख सकते हैं चेयर कार है। जिसकी कन्फर्म सीट है वो अपनी सीट पर ही बैठता है, बाकी वेटिंग वाले लोग हैं और स्टाफ वाले लोग हैं उनको कौन रोक सकता है। तो इस प्रकार से कुछ कंडीशन है इस टाइम कोच की। और अपनी सीट तो भाई ये है, जो मेरा सीट नंबर है 46 वो यहाँ पर है, जिसमें हमारे भाई बैठे हुए हैं जो मुंह छुपा रहे हैं। और कोई बात नहीं, कैमरास आए हैं थोड़े, और हमारे साथ में अंकल जी भी बैठे हैं। तो ये जो 46 नंबर सीट है ये अपनी सीट है, विंडो साइड भी अपने पास है और ये तीनों सीट हमारी है, ये भी सारी हमारी सीट्स हैं। तो चलो अब आपको दिखाता हूँ मैं गाजियाबाद का रहे। हम लोग पहुँच रहे हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GZB। यहाँ पर 2 मिनट का होल्ड है हमारा। तो गाइस 2 मिनट की होल्ड के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा गाजियाबाद से। आपके कहाँ पे भैया? अरे पीछे। आपने टिकट भैया इधर से? So guys, अभी हम लोगों की जर्नी चल रही है, ट्रेन एकदम बहुत अच्छी स्पीड में चल रही है। बट यार ये रूट ना मैंने पहले भी कवर किया हुआ है काफ़ी बार, और इस जन शताब्दी को पहली बार कवर कर रहा हूँ। लेकिन यार अब एक और बात बताता हूँ, आज है 12 अप्रैल, आज के दिन नई वंदे भारत में चल रही है, जो कि जयपुर से लेकर अभी दिल्ली तक के लिए उसका फर्स्ट इनॉग्रल रन होना है। वरना अजमेर से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत चलाई जा रही है, जो राजस्थान की पहली वंदे भारत है। और उसमें आज मैं होता आप लोगों को मैंने दिखाई थी भोपाल वंदे भारत की इनॉग्रल जर्नी रानी कमलापति से दिल्ली की, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ चेकआउट करना। तो आज यार हम लोगों को उसमें भी जाने का चांस है अजमेर वाली राजस्थान की वंदे भारत के लिए। बट लेकिन अब फैमिली ट्रिप है तो यार हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, तो इस वजह से वो हमें ड्रॉप करना पड़ा। वरना आपको अजमेर वाली वंदे भारत का इनॉग्रल भी बहुत जल्दी देखने को मिलता है चैनल पर। बट कोई नहीं, आने वाली वंदे भारत हम बिल्कुल से कवर करेंगे। तो चलिए अब आपको मैं सीधा मिलूंगा मेरठ के अराइवल पर, क्योंकि ये जर्नी मैंने पहले डिटेल में कवर कर रखी है। बार बार सेम चीज़ नहीं दिखाऊंगा, इसलिए आपको दिखाऊंगा सीधा मेरठ का। गाइस हम लोग पहुंच रहे हैं मेरठ सिटी, जिसका स्टेशन कोड है MTC, और यहाँ पर भी 2 मिनट का होल्ड है हमारी ट्रेन का। गवर्नमेंट का
पैकेज हम लोग पहुंच गए मेरठ सिटी जंक्शन। यहाँ तक हमने न्यू दिल्ली से लेकर 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और ये जर्नी होने वाली है 253 यानी कि 253 किलोमीटर की। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मेरठ सिटी जंक्शन से हमारा डिपार्चर। दो मिनट की होल्ड के बाद डिपार्चर स्टार्ट हो गया हमारा मेरठ सिटी जंक्शन से। हमारी ट्रेन में लगा है WAP-7। आगे अगले स्टेशन में आपको बताऊंगा कि कौन सी सेट का लोकोमोटिव है। अभी आप लोग देखिए मेरठ से हमारा डिपार्चर। तो गाइस हम लोग अभी स्किप करने वाले हैं मेरठ कैंट। तो ये ट्रेन जो है मेरठ सिटी पे रुकती है, मेरठ कैंट को हम स्किप करेंगे। प्लेटफॉर्म तो था नहीं यार, लेफ्ट साइड राइट साइड पे प्लेटफॉर्म नहीं था, मेन लाइन से निकले हम लोग। तो अभी चल रहा है इसके बाद स्टेशन पार कर दिया हमने मेरठ कैंट। गाइस अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ दोराला का स्किप और उसके बाद हम लोग मिलेंगे मुजफ्फरनगर के रेवल पे। भाई लगता है सिग्नल क्लियर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग रुक रहे हैं दोराला पे या धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं। तो देखते हैं वीडियो में, आप भी देखिए और मैं भी देखता हूँ कि क्या होता है कि रुकते हैं या, क्योंकि ट्रेन की स्पीड स्लो हुई है, ब्रेक सप्लाई हुई है। तो भाई साहब सही बोल रहा हूँ मैं, सिग्नल क्लियर नहीं है तो इसलिए हमें रोक दिया गया है दोराला पे। तो भाई हम लोग पहुँच गए मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। भाई यहाँ से भी पूरे 2 मिनट रुकने का ट्रेन चल चुकी है, बट अभी हम लोग डिले है, 23 मिनट लेट हो चुकी है ट्रेन हमारी। तो अभी 23 मिनट के डिले के साथ हमने डिपार्चर स्टार्ट किया है मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से। गाइस मैं पहले बता रहा हूँ ये व्लॉग मैंने ऑलरेडी इस रूट पे कवर कर रखा है डिटेल में, आपको चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी ऑलरेडी, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। फैमिली भी साथ है, सबको टाइम देना पड़ता है, तो प्लीज़ माफ़ कर देना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बट हाँ आप लोग इन्जॉय कीजिए मुजफ्फरनगर से हमारा डिपार्चर। सो गाइस हम लोग अभी देवबंद अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ पे भी 2 मिनट का होल्ट है।
तो सामने से ट्रेन क्रॉस हो रही है, ये है जी सहारनपुर प्रयागराज संगम। सहारनपुर, अरे बड़ी छोटी ट्रेन थी यार, प्रयागराज सहारनपुर संगम। मैंने आपको दिखाई थी अभी पैसेंजर थी वो, उसकी क्रॉसिंग दिखाई थी जो प्रयागराज संगम को जाती है, सहारनपुर से प्रयागराज संगम। और हम लोग अभी पहुंच रहे हैं देवबंद, आप लोग देखिए प्लेटफॉर्म साइड से हमारा अराइवल। यहाँ पर भी 2 मिनट का होल्ट है, बट ट्रेन हमारी इस टाइम 25 मिनट डिले हो चुकी है। तो आइए फिर आपको अब यहाँ से हम डिपार्चर दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको मिलवाता हूँ। जो फैमिली में कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हैं हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे मिलवाते हैं, वो लोग भी अपना जर्नी इन्जॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम डिपार्चर देखेंगे देवबंद से, उसके बाद मिलवाऊंगा आपको मैं छोटे छोटे प्यारे बच्चों से। भाई 2 मिनट के होल्ड के बाद चल दिए हम लोग देवबंद से भी। भाई साहब गेट पे जा ही नहीं पा रहा हूँ, गेट पे इतने लोग खड़े हैं क्या बताऊँ, गेट पूरे पैक कर रखे हैं। क्या करें, वेटिंग वाले लोग हैं, उन पे सीट्स है नहीं तो वो लोग गेटों पे खड़े हैं, तो जाने की जगह ही नहीं। और 2 मिनट का ट्रेनों का होल्ट है तो क्या ही इतनी मेहनत करके गेट पर जाना। बट कोई अच्छा बड़ा स्टेशन आएगा जैसे रुड़की आएगा, वो मैं आपको बाहर से जरूर दिखाऊंगा, टपरी दिखाऊंगा अगर हो सका तो, वरना रुड़की है तो पक्का हम बाहर मिलेंगे। तो आप लोग फिलहाल देख रहे हैं देवबंद से हमारा डिपार्चर। अभी हम वापसी आएंगे मसूरी एक्सप्रेस से, उसकी ऑलरेडी मैंने 2 बार जर्नी कवर कर रखी है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब मैं आपको ट्रेन में हमारे साथ जो फैमिली में बच्चे हैं उनसे मिलवाता हूँ। अब चलो मैं आपको मिलवाता हूँ, हमारी फैमिली के तो 2 बच्चे हैं हमारे साथ, उनसे मिलवाता हूँ। साथ में और भी फैमिली ट्रैवल कर रही है तो उनके भी 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो मैं मिलवाता हूँ उन 4 बच्चों से आपको। 2 तो हमारे साथ ही जा रहे हैं, बाकी एक हमारे को पैसेंजर है उनके साथ भी 2 अच्छे बच्चे हैं, आपको मिलवाता हूँ उनसे। तो गाइज ये है हमारी, कृष्णा भी नाम है इसका प्यार से, इसको हम नवी बोलते हैं। हेलो करो सबको, आप कहाँ जा रहे हो अभी? हरिद्वार जा रहे हो, चलो बढ़िया। और अभी तक आपका ट्रैवल कैसे चल रहा है, मज़ा आ रहा है ट्रेन में? मज़ा आ रहा है आपको ट्रेन में बहुत ज़्यादा, चलो बढ़िया है। आपको मिलवाते हैं मोक्ष से, जो हमारा भाई है, मेरी भतीजी है, बाय मेरे भैया की बेटी है, बड़ी प्यारी बच्ची है। और ये हमारे भांजेश्री, ये हमारे मोक्ष है, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष हेलो बोलो, आपको कैसा लग रहा है अभी, कहाँ जा रहे हो आप? आप कहाँ जा रहे हो अभी बताओ, कहाँ पर जा रहे हो? तो आपको चलिए तो को पैसेंजर के साथ हमारे बच्चे उनसे मिलवाते हैं, देख रहे हो। तो ये 2 बच्चे साथ हमारे ट्रैवल कर रहे हैं, अराइव कर रहे हैं हम लोग टपरी जंक्शन, टपरी रेलवे स्टेशन पे हम लोग पहुंच रहे हैं। गाइस मैंने आपको कहा था कि लेकिन यार कि टपरी में बाहर जाऊंगा, बट इस टाइम ना कंडीशन बहुत ज़्यादा, गेट पूरा पैक हो रखा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है चारों गेट का। तो यहाँ पर भी मेरे को लगता नहीं कि मैं बाहर जा पाऊँगा, 2 मिनट का ही होल्ट है। आपको मैं अराइवल दिखाता हूँ, उसके बाद डिपार्चर दिखाएंगे टपरी से। ये देखो इस टाइम गेट की ना कंडीशन ऐसी हो रखी है, तो चाहे पूरे गेट पे लोग हैं और उस साइड भी पूरा गेट ऐसा हो रखा है, तो बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, देखो जगह ही नहीं है। साइड एंट्री वाले भाई तक बताओ कैसे खड़े हैं, भीड़ इतनी है क्या करें। तो यहीं से देख लीजिए आप लोग टपरी का अराइवल, फिर देखेंगे यहाँ से डिपार्चर। टपरी जंक्शन और हरिद्वार रूट का काफ़ी मेजर स्टेशन है टपरी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है TPZ। और यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट है हमारा। और दिल्ली से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने डिस्टेंस कवर जो किया है वो हमने कर लिया है 179 किलोमीटर का। तो चलिए यहाँ से जब डिपार्चर होता है डिपार्चर में मिलते हैं। टपरी को जंक्शन पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से हम लोग बढ़ जाएंगे हरिद्वार वाली लाइन पर, यहाँ से सहारनपुर की लाइन अलग हो जाती है, जो शालीमार एक्सप्रेस चलती है जम्मू से जैसलमेर की ओर, वो यहाँ से अलग हो जाती है। तो इसको जंक्शन पॉइंट इसलिए कहते हैं कि सहारनपुर वाली लाइन यहाँ से डाइवर्ट हो जाती है और हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से हरिद्वार वाली लाइन पर। तो चलिए होमकिंग हो गई, डिपार्चर भी आपको दिखाता हूँ मैं ट्रेन का टपरी से। तो गाइस यहाँ से ना हमारी ट्रेन बाईपास से राइट को मुड़ जाती है और लेफ्ट वाली लाइन जो जाएगी वो जाएगी आपकी सहारनपुर की तरफ, जहाँ से शालीमार और जो और भी सहारनपुर वाली ट्रेनें हैं जो आपको मैंने पैसेंजर दिखाई थी वो भी वहीं से जाती है। और हम लोग यहाँ से बाईपास होकर रुड़की वाली लाइन पर चले जाएंगे, रुड़की होते हुए हम लोग हरिद्वार जाएंगे।
और मैं आपको भी दिखाता हूँ सहारनपुर वाली लाइन कहाँ से अलग होती है, और डिपार्चर भी आपको लेफ्ट साइड से दिखाता हूँ। देख रहे हैं वहाँ सनसेट भी हो रहा है यहाँ पर, तो वहाँ से बागपत शामली और सहारनपुर वाली लाइन भी अलग होती है। अभी मैं आपको राइट दिखाऊंगा कि लेफ्ट में सहारनपुर वाली लाइन हमसे कहाँ अलग हो जाएगी, और हम लोग बाईपास हो जाएंगे टपरी की तरफ। और सनसेट कैसा लग रहा है यार कमेंट सेक्शन में बताना। तो भाई इस ट्रेन में जनसे साहब साइड पेंट्री चलता है, लेकिन भाई इतनी देर से पानी का वेट कर रहे थे, अब जाकर पानी वाले भाई आए हैं। तो चलिए पानी भी लेंगे यहाँ से रेल नीर। बहुत ही सुंदर लग रहा है यार सनसेट। तो गाइस वो जो लेफ्ट साइड को लाइन जा रही है वो सहारनपुर की तरफ निकल जाती है लाइन, और हम लोग बाईपास हो गए हैं टपरी वाली लाइन पर। ये पेड़ों के पीछे देख सकते हैं वो जो लाइन गई है, वो वाली लाइन जा रही है सहारनपुर की तरफ। चलिए आपको मैं मिलता हूँ सीधे टपरी के अराइवल पे। ये है हमारा वैब 7 लोकोमोटिव। पूरी ट्रेन घूम रही है भाई साहब, कितना अच्छा दर आता है यहाँ पर। ये रहा हमारा लास्ट का हीरो। अभी एक तो सही है भाई, उसने अपना गेट पे जगह बना रखी है तो गेट पे ही खड़ा है। तो ना ये जम्मू तवी हावड़ा और अमृतसर हावड़ा मेन लाइन है जो सहारनपुर को कनेक्ट करती है। जम्मू तवी वाली लाइन और हावड़ा वाली लाइन, मतलब जम्मू तवी हावड़ा और अमृतसर हावड़ा मेन लाइन है ये, और ये सहारनपुर से आती है ये लाइन जो आपको मैंने दिखाया था। वहाँ से सहारनपुर का रास्ता अलग होता है, बट ये सहारनपुर से होते हुए ये लाइन आती है और यहाँ हमसे जुड़ जाती है। ये भी अब रुड़की की तरफ मिल जाएगी ये लाइन, रुड़की हरिद्वार वाला रूट मिल जाता है इससे। तो वहाँ पर पीछे एक वैब 7 से LHB ट्रेन भी खड़ी थी, मैंने पीछे देखा था, देख सकते हैं आपको भी दिख रही होगी वो भी। बट हमें प्रायोरिटी दी, हमें निकाल दिया पहले, मेरे को लगा था पता नहीं हमें रोक कर उसको निकालेंगे, बट वो अभी भी खड़ी और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी। भाई कुछ भी कहो, वंदे भारत लग्जरी है, थोड़ा अच्छी फील है, बट भाई ये डोर वाला मज़ा तो आपको नॉर्मल ट्रेन में ही आ सकता है। शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, जो शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है उन्हीं में डोर व्यू मिलेगा। अब वंदे भारत वगैरह में ऑटोमेटिक डोर है, उनमें ये बात नहीं है, कम्फर्ट है, लग्जरी है, फास्ट है, बट जो मजे डोर व्यू के है ना वो उनमें नहीं है यार। ये वाली फीस आपको लेनी है तो भाई साहब नॉर्मल ट्रेन में ट्रेवल करना पड़ेगा, या तो आपको विदाउट ऑटोमेटिक डोर वाली राजधानी शताब्दी, इन सब में ये मजा आ पाएगा डोर व्यू का। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा मैं रुड़की रेलवे स्टेशन। तो भाई 110 की स्पीड आपको दिखा रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि इस रूट में मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 ही है, 130 का एक्शन नहीं है, बट भाई साहब मज़ा आ रहा है। इतनी देर से अंदर बैठा था ना, अब जैसे तैसे करके गेट पर आया हूँ और हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है यार, डोर व्यू का अलग ही मज़ा है। ट्रैक साउंड आएगा तो ट्रैक साउंड फील करना, अभी स्टेशन स्किप होगा, इकबालपुर आएगा उसका स्किप लेंगे, वहाँ पर आपको ट्रैक साउंड सुनने को मिलेगा। आपको कह रहा था ना इकबालपुर का स्किप दिखाऊंगा, ट्रैक साउंड मिलेगा। देखो आप स्टेशन स्किप होते ट्रैक साउंड सुनना भाई, मजा आ जाएगा। और हम लोग स्किप कर रहे हैं इकबालपुर, इसके बाद आएगा हमारा रुड़की। मौसम भी बढ़िया हो चुका है, इंडियन रेलवे में यही तो मजा है यार, ट्रेन का सफर और हवाएं बहुत बढ़िया। मुझे पता है अगर जर्नी करनी है ना तो एसी से ज़्यादा मजा स्लीपर या ऐसे नॉर्मल चेयर कार में आता है सेकंड सीटिंग में, क्योंकि इसमें आप हवा खा सकते हो ताज़ी, एसी में क्या बंद होता है दरअसल उससे, फिर ये व्यू देखना मुश्किल हो जाता है, उसमें सिर्फ डोर पे जाना पड़ेगा। ये व्यू तो हम अपनी विंडो से भी दिखा देते हैं, ये फायदा है सेकंड सीटिंग या स्लीपर का।
चलिए आपको मिलता हूँ सीधा रुड़की के अराइवल पे। सो गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं रुड़की। अब आप लोग जानते होंगे रुड़की यार आईआईटी रुड़की के लिए माना जाता है, इतना मशहूर है, मतलब आईआईटी रुड़की है यहाँ पर। और इस रूट का काफ़ी अच्छा मेन मेजर स्टेशन है। जब इससे पहले मैंने कवर की थी हमारी जो नई वंदे भारत चली थी, भोपाल की वंदे भारत, एमपी की पहली वंदे भारत और इंडिया की सबसे फास्ट चलने वाली 160 की स्पीड चलने वाली वंदे भारत, अगर आप उसकी जर्नी देखना चाहते हो चैनल पे अपलोडेड है, आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, जरूर उसे चेकआउट करना। और ये जर्नी कैसी लग रही है कॉमेंट सेक्शन में बताना। गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं रुड़की रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है आरके। यहां तक हम लोगों ने दिल्ली से लेकर यहां तक 211 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और यहां पर सिर्फ 2 मिनट का होल्ट है। और यहां का मशहूर आपको जो मैंने बताया आईआईटी रुड़की है, आप जिसके लिए जान सकते हैं कि फेमस है। तो चलिए 2 मिनट का होल्ट है, आपको दिखाता हूं मैं रुड़की से डिवाचर। 2 मिनट की होल्ट के बाद चल चुके हम लोग रुड़की से और यहां से आप लोग उत्तराखंड में आ जाते हैं। स्लोली स्लोली डिपार्चर फ्रॉम रुड़की। बाय बाय रुड़की। गंगा जी की नदी थी ये भी। ओम नमः शिवाय। महादेव की नगरी में आप लोग एंटर कर चुके हैं। बम बम बोले, बम बम बोले। खाने वालों 12018 देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि हमारा वेट कर रही थी क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि आगे सिग्नल लाइन है तो इसलिए क्रॉसिंग के लिए वेट कर रही थी हमारा यहाँ पर। ये है देहरादून नई दिल्ली शताब्दी 12018, जो कि ये लेट चल रही है अपने टाइम से। हम लोग स्किप कर रहे हैं एयरथल को।
सामने तो है। चलिए मिलते हैं सीधा हम हरिद्वार के अराइवल पे। तो गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन। इस जर्नी का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, ट्रेन तो जाएगी देहरादून तक बट हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट हरिद्वार है। भाई साहब ट्रेन में हल्ला गुल्ला स्टार्ट हो गया, लोगों को सबको जल्दी उतरने की है भाई, क्या बताएं। 5 मिनट का होल्ट है यहाँ पे ट्रेन का, देखते प्लेटफॉर्म किस साइड आ रहा है। अभी की जनशताब्दी ऐसी ट्रेन है भाई जो 4 घंटे में आपको दिल्ली से हरिद्वार पहुंचा देती है, इसकी टाइमिंग मेरे को काफी अच्छी लगती है। वापसी की हमारी जर्नी मसूरी से वो लेती है 8 घंटे दिल्ली तक के, बट उसका रूट भी लंबा है और स्टॉपेज भी ज्यादा है। वो आपकी गजरौला लक्सर वगैरह होते हुए जाती है, दूसरा रूट है उसका। जहाँ तक मेरे को लग रहा है प्लेटफॉर्म तो अपनी साइड ही आ रहा है, सही जगह खड़ा हूँ मैं, बिल्कुल आपको प्लेटफॉर्म से अराइवल दिखाएंगे दोस्त। महादेव की नगरी में आपका स्वागत है, तो हर शंभू बोल दीजिए कमेंट में, हर महादेव लिख देना, जय गंगे मैया, हर गंगे हर महादेव। भाई प्लेटफॉर्म राइट साइड आ रहा है, ट्रेन ने ट्रैक चेंज कर लिया और 1 नंबर पे गई है हमारी ट्रेन। हम लोग 1 नंबर पे लगी है ट्रेन। और एक चीज देखो भाई साहब, सब लोग तैयार है उतरने के लिए बट देख रहे हो हड़बड़ी ना करें तो अच्छा है यार, 5 मिनट ट्रेन रुकेगी, अब हालत ऐसी है वैसे पूरी ट्रेन ही हरिद्वार पे खाली हो रही है यार। और यहाँ पर एक WAP-7 खड़ा है P7 फोन के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे फोन की WAP-7। वो रहा जी प्लेटफॉर्म, सो गाइस चलिए आप लोग देख लीजिए भाई ट्रेन का डिपार्चर। और तुगलकाबाद सेट का WAP-7 है हमारा, और ये रहा हमारी ट्रेन का बोर्ड। बहुत ही बढ़िया जर्नी रही यार, सिर्फ 8 मिनट के डिले से हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर, ट्रेन ने टाइम काफ़ी अच्छा कवर किया था यार, मज़ा आया इस जर्नी में। अभी इसका डिपार्चर देखिए, फिर आपको भी फैमिली से पूछवाते हैं जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहा उनका। देख रहे हो भाई पूरी ट्रेन खाली हो गई है यहाँ पर, बहुत ही कम लोग जाएंगे देहरादून तक इसमें, आगे ज़्यादातर इसमें पैसेंजर हरिद्वार तक के थे इंक्लूडिंग अस। और बहुत प्यारी ट्रेन लगी अभी तक, इसमें पहली जर्नी थी मेरी इस रूट पे जनशताब्दी में। मैंने सोचा यार लॉग इन करने से पहले एक डिपार्चर भी दिखाते हैं।
गाइस इसका जनरेटर कार भी ओनर, मेरे को जब ट्रेन का ईओजी ऑन होता है ना बहुत अच्छा लगता है यार, ईओजी की साउंड बहुत सही लगती है। तो चलिए बाय बाय जन शताब्दी एक्सप्रेस। पहले सो गाइस आपको दिखाया मैंने अपनी शताब्दी का डिपार्चर और फाइनल हम लोग पहुंचे हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है HW। तो चलिए अब चलते हैं फैमिली के पास, हम तो डिपार्चर लेने आगे आ गए थे, उनसे पूछते कैसा रहा सफर और करते हैं इस व्लॉग को। फैमिली के पास पहुंचे, आपको पूछवाते हैं कि उनका सफर कैसा रहा, कैसा रिव्यू जानते हैं उन लोगों से। सो गाइस चलो पूछते हैं फैमिली से यार कैसा लगा सफर। तो भाई सबको हेलो पहले दो और हर हर गंगे बोल दो सबके सब, हर हर महादेव। तो कैसा रहा आप सबका सफर, और कैसा रहा आप सबका सफर ये बताओ। बढ़िया, आपका कैसा रहा ट्रेवल, कैसी लगी ट्रेन, और आपको कैसा लगा ट्रेन में। हाँ बेटे चेयर वाली थी ना, जिसमें वापस जाओगे उसमें सो कर जाओगे आराम, लेकिन मजा तो आया ना, जल्दी पहुंच गए। आपका कैसा रहा सफर, बढ़िया रहा, कंफर्टेबल ना। चले गए सबको तो यार सफर बढ़िया लगा, अब करते हैं व्लॉग को एंड। हमारे ये वाले प्यारे चाचू ने हमें बस में बिठाया, मेरी बहुत प्यारी भतीजी मेरे को प्यारे चाचू बोलती है, और ये भी बहुत प्यारा भांजा है हमारा, मोक्ष नाम है। और ये चले फिर आपको मैंने रिव्यू सुना दिया फैमिली का, बाकी भाई मेरे को तो ऑनेस्टली बहुत अच्छी लगी ट्रेन, टाइम भी कवर किया, लेट हो गई थी, बट भाई मजा आया, स्पीड में भी चली ट्रेन, बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल जर्नी थी। तो गाइस आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और आने वाली ताबड़तोड़ जर्नी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।